वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सकल के सुस्वागत जानिए शुरू करखकर भिडियो एखकर भिडियो हमार उच्च माध्यमिक जो रिडिवस सिलेबास दो हज़ार बाईस साले और अध्याय भित्तिक की विषय बद पड़े से विषय नहीं आलोचना करब तरह प्रत्येक का रिक्वेस्ट जरा भिडियो देखें अवश्य चैनल सबसक्राइब कर जरा सबसक्राइब कर तक असंख्य धन्यवाद। तो अपन सिलेबास कमे जा तार तो नोटिफिकेशन पूर्वे ही देखे काजे से ही नोटिफिकेशन देखाते चाहिए ना एखन आमरा शुधु सरासरि देखे नहीं इतिहास अध्याय भित्तिक जे आठटा तोमादेर अध्याय छिलो सेई अध्याय थेके कोन कोन सिलेबासटा रयेछे आर कोन कोन चैप्टारटा बाद गेछे चलो आमरा सरासरि सेई जायगागुलो देखे नहीं। प्रथम जे चैप्टारटि रयेछे अतीत स्मरण एई चैप्टारटि किन्तु कोनो परिवर्तन करा हयनि एई चैप्टारे तोमादेर क्षेत्रे रयेछे किन्तु तार परवर्ती जे चैप्टारटि रयेछे द्वितीय चैप्टार सेटा हच्छे ऊनविंश ओ विंश शतकेर उपनिवेशवाद ओ साम्राज्यवादेर प्रसार एई चैप्टारटि किन्तु तोमादेर बाद गियेछे अर्थात एटा दो हज़ार बाईस साले जारा परीक्षा दिच्छ इतिहास तादेर जन्य नय। तृतीय चैप्टार ऊनविंश शतकेर आधिपत्ये प्रकृति नियमित एवं अनियमित साम्राज्यवाद ये चैप्टारटी तोमादेर करते हच्छे। चतुर्थ चैप्टार साम्राज्यवादेर बिरुद्धे प्रतिक्रिया एटीओ तोमादेर करते हच्छे। पंचम जे चैप्टार औपनिवेशिक भारतेर शासन एई चैप्टाराओ तोमादेर करते हच्छे। एबं षष्ठ चैप्टार जेटा रयेछे द्वितीय विश्वयुद्ध एबं औपनिवेश समूह एई चैप्टाराओ तोमादेर करते हच्छे। एरपर चलो आमरा देखी परेर चैप्टार दुटो कि रयेछे एबं कि करते हच्छे। आमादेर सप्तम जे चैप्टारटी रयेछे ठंडा लड़ाई युद्ध एटा तोमादेर एई बछरे बाद पड़छे अर्थात दो हज़ार बाईस साले बाद। एबं अष्टम जे चैप्टार अब औपनिवेशीकरण ए चैप्टारटिओ किन्तु बाद। तोमादेर नवम चैप्टार जेटा देया आछे सेटा हच्छे नतून विश्व व्यवस्था एटा प्रकल्प एटा प्रोजेक्टेर जन्य एटा तो कोनो गल्पई थाकछे ना। ताहले तोमादेर जे आठटा चैप्टार थाकलो आठटा चैप्टार मध्ये तोमादेर पढ़ते हच्छे पाँचटा। प्रथम चैप्टार तृतीय चैप्टारटी पढ़ते हच्छे ना अर्थात प्रथम तारपरे तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम এই পাঁচটি চ্যাপ্টার তোমাদের পড়তে হচ্ছে। আর তোমাদের যে সিলেবাস পাঁচ গুণিত আট সমান চল্লিশ অর্থাৎ পাঁচটি প্রশ্ন পড়ে আটটা অর্থাৎ এবছরে তোমাদের এই পাঁচটা চ্যাপ্টার থেকেই পাঁচটা বড় প্রশ্ন আসবে এবং সেই পাঁচটা করতে হবে। পাঁচটা বড় প্রশ্ন আটটা বড় প্রশ্ন দেবে পাঁচটা করতে হবে তাহলে তোমাদের আট নম্বর এসে যাবে। তো তোমাদের সিলেবাস কমা মানে তোমরা যদি একটু ঠিকঠাক পড়াশুনো করো তাহলে অবশ্যই রেজাল্টটি ভালো হবে। এবং আমি যদি তোমাদের সিলেবাসটা বোঝাতে পেরে থাকি তাহলে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পার ভুলবে না। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।